अच्छा अब आ रहा होगा। चलो 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 चलो, आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, हाय गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट। आवाज मेरी क्लियरली आ रही है, हाँ या नहीं? आवाज क्लियरली आ रही है? अभी भी नॉट ऑडिबल है? आ रही है ना सर? आवाज आ रही है सबको? सबको आ रही है आवाज? आवाज आ रही है गाइस? चलिए फाइनली चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। जब तक मेरा स्टूडियो पागल हो जाए उससे बेटर है कि हम लोग काम करना शुरू कर देते। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस बायो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू करेंगे, मेरे बारे में तुमको पता ही है, कोई पॉइंट नहीं है उसके बारे में बताने का। टेलीग्राम चैनल का पता ही है तुमको, यहाँ पर जाओ चले आओ ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे सारे पीडीएफ वगैरह इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका मिल जाएंगे लेक्चर्स के, प्लस जितने मैं स्पेशल क्लासेस एन अकेडमी पे 8 बजे ले रहा हूँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सेकेंडली प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही है आपको। प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं और मेरे जैसे 40 और एडुकेटर्स आपको प्लीट के लिए पढ़ा रहे हैं, और नीट 2021 और नीट 2022 के लिए इतना अमेजिंग बैच स्टार्ट हो रहा है ना कि तुम लोगों को पता भी नहीं है। तो अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप आराम से एनरोल कर लो। आप इंडिया के टॉप 40 एडुकेटर से पढ़ सकते हो, आपको सारी की सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी, आपको ये सारी क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगी, आप कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो और इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हैं, और क्विज के लिए भी आपको टाइम मिलता है। प्लस जितने भी लेक्चर्स होते हैं आप उनका पीडीएफ सेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन 1 साल का ले सकते हैं और 2 साल का ले सकते हैं। 1 साल और 2 साल में सिर्फ 1 महीने के फीस का डिफरेंस होता है। ठीक है, सिर्फ 1 महीने के फीस का डिफरेंस होता है। तो अगर आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। रेफरल कोड आनंद यूज करना मत भूलना। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, तुमको मुझसे मेंटरशिप मिलेगा, मतलब तुमको पे मेरे स्टूडेंट होने का ठप्पा लग जाएगा। राइट, प्लस आप अनअकैडमी के सारे एडुकेटर से पढ़ सकते हैं रेफरल कोड आनंद यूज करके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहले पेज में ऐसा कुछ नहीं था, हमने देखा था कि कैसे एनालाइज करेंगे हम कंपाउंड को। जिन्होंने कल क्लास की उन्होंने ये वाला पार्ट देखा होगा, बट कोई नहीं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या लिविंग मैटर को हम एनालाइज कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सबसे पहले कोई भी सेल लेते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, और इस लिविंग टिश्यू को हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं और उस लिविंग टिश्यू को हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालते हैं। ठीक है, तो हम एक लिविंग टिश्यू लिए और इस लिविंग टिश्यू को हम डाले ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में। राइट, अब हमको दो पूल मिला, एक मिला एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन और एक मिला एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो हमको दो पूल मिला, एक हमको मिला एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा हमको मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल। दूसरा हमको मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल। अगर हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात करें, अगर हम एसिड सॉल्युबल पूल की बात करें तो एसिड सॉल्युबल पूल में सारे कौन से आ जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम क्या ये लेस देन 800 डाल्टन या लेस देन 1000 डाल्टन, कुछ किताब में 800 डाल्टन लिखा रहता है, कुछ किताब में 1000 डाल्टन लिखता है। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, ग्रेटर देन 800 डाल्टन, जैसे मेरा प्रोटीन आ गया, जैसे मेरा पॉलीसेकेराइड आ गया, तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल आ जाएंगे। एक्सेप्शन में लिख लो लिपिड, एक्सेप्शन में लिख लो लिपिड। लिपिड टेक्निकली माइक्रोमोलिक्यूल है, बट हमको ये कहां मिलता है, लिपिड टेक्निकली माइक्रोमोलिक्यूल है बट हमको ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, तो इट इज फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। राइट, इट इज फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक, अच्छा, ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर ली। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्या देखा, हमने ये देखा
कि हम कोई भी कंपाउंड लिए उसको हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाले, उसके बाद उसको हम मोटर और पिस्टल में ऐसे पिस दिए, ठीक है, थिक स्लरी मिला। अब इस स्लरी का एक पूल था जिसको हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और दूसरा पूल जो मिला हमको एसिड इनसॉल्युबल पूल मिला। हमने एसिड सॉल्युबल पूल में हमको सारे डिजायर्ड प्रोडक्ट जो भी तुम्हारा माइक्रोमोलिक्यूल मिल गया, एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमको सारा मैक्रोमोलिक्यूल मिल गया, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हमने क्या किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हमने आग लगा दी, हमने आग लगा दी। आग लगाया तो क्या क्या मिला था भाई, हमने आग लगाया तो हमको राख बचा, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के भाप बन के निकल गया। जो बचा कौन सा बचा, मेरे पास कैल्शियम बचा, मैग्नीशियम बचा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला जो कंपोनेंट है वो हमको ऐश या राख में मिल जाता है, और सल्फेट वाला जो कंपोनेंट है, सल्फेट और फॉस्फोरस, सल्फर और फॉस्फोरस वाला जो कंपोनेंट है वो हमको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ इंटवाइंड मिलता है। जैसे मेरा सल्फर कहाँ हो जाएगा, प्रोटीन के साथ मेरा सल्फर एसोसिएटेड होगा, तो कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक सल्फर एंड फॉस्फेट हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी मिल जाता है, हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ भाई, तो हमको इसको हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं, जो लिविंग टिश्यू उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। अब क्या है, तो स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है कि हम किसी चीज को बर्न कर दिए, किसी टिश्यू को हम फुल्ली बर्न करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकल गया। जो बचा वो बचा राख या ऐश कह सकते हैं। तो ऐश कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एलिमेंट जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम तुमको ऐश में मिल जाता है, और बाकी जो कॉम्पोनेंट है, बाकी कॉम्पोनेंट कैसे कॉम्पोनेंट है, बाकी कॉम्पोनेंट आपको जो है जैसे सल्फेट हो गया, जैसे फॉस्फेट हो गया, ये सब तुमको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, ये सब तुमको एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है, ठीक है। ये सब तुमको सारे के सारे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे, इस चीज को आपको याद रखना है, ये सब तुमको सारे के सारे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेंगे, ठीक। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एटसेट्रा। तो ये मेरा एलिमेंटल कंपोजिशन है, कहां पे एलिमेंटल कंपोजिशन है, यार ये उल्टा हो गया, ये नीचे कैसे चला गया, ये मेरा एलिमेंटल कंपोजिशन है, ये मेरा एलिमेंटल कंपोजिशन है। तो अर्थ क्रस्ट पे देखो, अर्थ क्रस्ट पे क्या दिख रहा है, अर्थ क्रस्ट पे तुम्हारा सिलिकन और ऑक्सीजन दिख रहा है, राइट। बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन दिख रहा है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेरे बॉडी में ज्यादा होगा, बाकी सब तुम्हारा इसमें है, ठीक है। लिविंग टिश्यू में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या क्या, सोडियम होता है, हमको पता है सोडियम इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन, सोडियम इज द मोस्ट अबंडेंट इंटरसेल्युलर या इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर, या इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर। पोटेशियम इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेल्युलर, पोटेशियम इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेल्युलर, राइट। कैल्शियम तुम्हारा प्रेजेंट होगा मसल्स में सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा वाटर, और कंपाउंड सोडियम क्लोराइड वगैरह सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आप देखो, तो क्या कह रहा है यहां पे, अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहा है, यहां पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखो यार ये ऊपर कैसे आएगा, ये छोटा क्यों हो गया, ये पता नहीं नीचे चला गया, कोई बात नहीं, इसका वाला पार्ट मैं देख लूंगा, ठीक है। अमाइनो एसिड के बारे में बात करते हैं पहले, सबको पहले आया तो हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल ग्रुप मेरा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ लगता है तो एल्डोज हो गया, कीट यार कैसे इसको करें, ये नीचे चला गया, इसको ऊपर करना है मुझे, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, कहाँ गया, एक सेकंड बस रुक जाओ, नहीं एक
मैं फिर से इसको एक सेकंड लॉग इन कर रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ सॉरी गाइस, बस एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ चल शुरू करते हैं। हाँ कहाँ थे हम लोग, सॉरी, हाँ हमने यहाँ तक कर लिया था। चलो अमाइनो एसिड कर रहे थे हम, ठीक है। तो अब एक एक करके हम सारा माइक्रो मॉलिक्यूल देखेंगे, फिर उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल देखेंगे। इसमें देखो एनसीईआरटी बहुत कुछ मिस की हुई है, तो हम उसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की। तो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड मेरा सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। बहुत सिंपल सा हिसाब किताब में समझो तो इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं भाई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो बस सिंपल सा कैसा बनेगा बॉन्ड, तो यहां पे मेरा एक कार्बन डाल दो, ठीक है, यहां पे मेरा एक कार्बन डाल दो, बहुत अच्छी बात है, हमने एक कार्बन डाल दिया। उसके बाद यहां पे हम डाले COOH, यहां पे हम डाले COOH, ठीक है, यहां पे फिर हम डाले NH2, और यहां पे हम डाल दिए H, और यहां पे हम डाल दिए R। ये R जो है, ये R मेरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ये R मेरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है जो चेंज करते रहेगा। ये आर मेरा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है जो चेंज करते रहता है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन है, कार्बन के बदले चार हाइड्रोजन था, बट हाइड्रोजन के अलावा कुछ 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 इस पर ऐड होते गया, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं। तो क्या है भाई, तो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन, अरे यार आज क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप, है ना, एसिडिक ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कौन सा है, NH2 ग्रुप हो गया, अमाइड ग्रुप। एसिडिक ग्रुप क्या हो गया, कार्बोजैलिक एसिड जो ग्रुप हो गया वो एसिडिक ग्रुप हो गया, एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेम कार्बन। इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं, विच कैन बी सीन इन केस ऑफ अल्फा कार्बन, ठीक है, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। मतलब एक कार्बन है, उसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक अमाइड ग्रुप का, एक कार्बोजाइलिक ग्रुप का, तो इसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, हमने बात की थी कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 4 वैलेंसी पोजिशन, 4 वैलेंसी पोजिशन इनके साथ हो सकता है। दीज आर हाइड्रोजन एक पहला, कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरा हमने देखा, अमाइनो ग्रुप तीसरा हमने देखा, एंड वेरिएबल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो चौथा है, जो डिटरमाइन करता है इसका एक्सप्रेशन, है ना। जितना भी जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड होगा तो उसके क्या होगा, तुम्हारे कार्बोजैलिक ग्रुप ज्यादा होगा, बेसिक अमाइनो एसिड होगा तो उसका क्या होगा, तो तुम्हारा ये NH2 ग्रुप या अमाइड ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से वो डिटरमाइन करता है, वो अभी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, सारा देख लेते हैं हम, ठीक है। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली 20, तो क्या है 20 अमाइनो एसिड आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इस पर क्वेश्चन आया हुआ था, 20 अमाइनो एसिड आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो जिसमें 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, इसका नाम आपको याद नहीं रखना बच्चों, ठीक है, बहुत बच्चे याद रखेंगे इसका नाम, इसको याद नहीं रखना। 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है और 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, मतलब 10 मेरा अमाइनो एसिड एसेंशियल है, 10 मेरा अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल होता है, ठीक। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जो मेरा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता और हमको बाहर अपने खाने में इंटेक के थ्रू, फूड सब्सट्रेट के थ्रू लेना पड़ता है, ठीक है। तो नॉट प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यह प्रोड्यूस नहीं होता, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यह प्रोड्यूस नहीं होता।
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मेरे बॉडी में सफिशियंट मात्रा में प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमको उसको बाहर से इंटेक नहीं करना पड़ता, इसलिए हमको उसको बाहर से इंटेक नहीं करना पड़ता। ठीक है, ठीक है। तो ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है कि इट इज प्रोड्यूस इन आर बॉडी इन सफिशियंट अमाउंट। ठीक है, नाम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नाम नॉट इंपॉर्टेंट, नेम्स नॉट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बस मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो अमाइनो एसिड सेमी एसेंशियल होता है, कुछ किताब में तुमको 8 एसेंशियल दिख जाएगा और 2 सेमी एसेंशियल दिखेगा। ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन दो अमाइनो एसिड होता है जो सेमी एसेंशियल इन नेचर होता है, ये लिख लीजिए, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो हो जाएगा वो तुम्हारा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होगा। ठीक, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड तुम्हारा ग्लाइसिन होता है, एच होता है। ठीक है, उसका भी हम लोग डायग्राम देखेंगे, तुम लोगों को स्ट्रक्चर ग्लाइसिन एलेनिन और सेरीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी और किसी का स्ट्रक्चर पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्लाइसिन एलेनिन और सेरीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बाकी और किसी का स्ट्रक्चर तुमको पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, तो आर ग्रुप हाइड्रोजन है मतलब ग्लाइसिन है, CH3 में आर ग्रुप लगा है तो एलेनिन है, और CH2OH लगा है तो सीरीन है, CH2OH लगा है तो सीरीन है, मतलब सिंपल सा है। देखो सिंपल सा अगर डायग्राम बनेंगे क्या बनेगा, सिंपल है, क्या है भाई, COOH NH2, ठीक है, H और आर ग्रुप में H है तो ये मेरा ग्लाइसिन हो जाएगा, ये मेरा ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, अगर वही यहां पे CH3 लग गया तो ये मेरा एलेनिन हो जाएगा, वही यहां पे CH2OH लग गया तो ये मेरा सेरीन हो जाएगा। तो तीनों आपको जानना है, ये ग्लाइसिन हो गया, ये तुम्हारा एलेनिन हो गया और ये तुम्हारा सेरीन हो गया। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, यहां पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप या आर था, यहां पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप या आर था सिर्फ वही चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम रह जा रहा है। यहां पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप या आर था सिर्फ वही चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम रह जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब क्या बात कर रहे हैं, तो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशियली द अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मतलब क्या है कि अब देखो इसमें कैसे पता करते हैं, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तुमको मान लो कोई अमाइनो एसिड ऐसे दे दिया, कि मान लो सी लिखा है, ठीक है, यहां पे लिखा है NH2, ठीक है, यहां पे लिखा है COOH, यहां पे लिखा है H और यहां पे लिख दिया है मान लो NH2, ठीक है, यहां पे दे दिया NH2 और दे दिया है COOH, कौन सा अमाइनो एसिड होगा जल्दी जल्दी कमेंट करके ये बताओ, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कौन सा अमाइनो एसिड है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, एसिडिक है, बेसिक है, जल्दी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, कौन सा अमाइनो एसिड है, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे है ना। तो अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है, तो कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, अगर COOH ग्रुप ज्यादा है, कहां पे, हम जब भी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर दोनों बराबर है, NH2 और COOH बराबर है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना। अगर NH2 ज्यादा है तो बेसिक, अगर COOH ज्यादा है तो एसिडिक, और अगर दोनों बराबर है तो न्यूट्रल। तो इस तरह से अमाइनो एसिड को हम डिस्टिंग्विश करते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, तो क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, दे आर एसिडिक, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, बेसिक, लाइसिन एंड आर्जिनिन, याद है हम लोग पढ़े थे लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बेसिक अमाइनो एसिड, हम लोग पढ़े थे ना, तो वही दो याद रखिएगा, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, न्यूट्रल में आ जाएगा वैलिन, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इतना ही, जितना एग्जांपल इसमें दिया है एनसीईआरटी में उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एरोमेटिक मतलब, एरोमेटिक मतलब यहां पे सब जगह बेंजीन रिंग हो गया, तो ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ठीक है, सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है। एरोमेटिक सब में बेंजीन रिंग होगा, सब में बेंजीन रिंग होगा तो एरोमेटिक। तो टायरोसिन, फिनाइललिन और ट्रिप्टोफैन तीनों एरोमेटिक होता है। इस पे दो दो बार क्वेश्चन आ गया, इस पे दो दो बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। टायरोसिन, फिनाइललिन और ट्रिप्टोफैन तुम्हारा जो है ये तुम्हारा एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक होगा, ठीक। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयनाइजेबल इन नेचर, जिसको ज्विटर आयन कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन में क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम में होता है। क्या होता है ज्विटर आयन? अगर हम ज्विटर आयन का कंस्ट्रक्शन देखें तो हम बात करें, अगर मान लो कि NH2 ठीक है, C COOH ये है तुम्हारा, ठीक है, और यहां पे H और यहां पे H, मान लो HH ही है दोनों, मान लो ग्लाइसिन या कुछ भी है, या मान लो R यहां पे, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये पहले इस पे, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में पहले इस पे आ जाएगा मान लो NH3+, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा C, यहां पे COOH, यहां पे आ जाएगा H या R मान लो, और यहां पे H, ठीक, बहुत अच्छी बात है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे क्या होगा फिर, अब यहां पे दूसरा कि अगला मान लो इसको कर लें, क्या है भाई, CNH3+H और COO-, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों सेम पे एग्जिबिट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन, इसको हम लोग कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। और ये फिर ऐसे ही साइकिल पे बना लेगा, फिर इस पे एक और NH3+ लगा लो और उसके बाद COO- लगा लो, ठीक है, NH2+ लगा लो और CO- लगा लो, इस पे ऐसे कर लो, एक और कर लो, ये क्या आ जाएगा भाई कि NH2CCOO- H और R कुछ भी लगा लो, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम होता है, इसको हम लोग ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हम लोग ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक। तो ये आ गया, तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव सेम पे है तो ये ज्विट्रिक आयन स्ट्रक्चर शो करता है। यही देखो, जैसे B इज द ज्विटर आयन, है ना, तो NH3+ यहां पे लगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिबिट किया एक पे, यहां पे दोनों पे चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों पे एग्जिबिट किया, और यहां पे निगेटिव चार्ज है, तो ये बीच वाला जो है, बी वाला जो है, इसको हम ज्विट्रिक आयन फॉर्म कहते हैं, कि सेम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला आते हैं लिपिड की। लिपिड टर्म दिया था ब्लूर, लिपिड टर्म दिया था ब्लूर, टर्म लिपिड वॉज गिवेन बाय ब्लूर, साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका टर्म वॉज गिवेन बाय ब्लूर। एंड बस यहां पे याद रखिएगा एक चीज, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में एक ही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है, दोनों बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बट यहां पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो इज नॉट इक्वल टू 2:1, इज नॉट इक्वल टू 2:1, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो है ये 2:1 में नहीं होगा, ये 2:1 में नहीं होगा, इस चीज को बस आप याद रखिएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, पता है हम लोग, तभी हमको एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है। दे आर सिंपल फैटी एसिड, बिल्कुल सही, फैटी एसिड में क्या हो सकता है भाई, तो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा आर ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा आर ग्रुप के साथ, आर ग्रुप का कितना भी लंबा चेन हो सकता है, तो द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या कितना भी आ सकता है, 16 कार्बन आ सकता है, 18 कार्बन आ सकता है, 16 कार्बन वाले को पाल्मिटिक कहते हैं, 18 वाले को स्टीरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 1 से लेके 19 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 19 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप, तो मतलब कार्बोजाइलिक ग्रुप के साथ एक आर ग्रुप लगा होगा, मतलब आर सी ओ ओ एच। अब ये जो आर है, आर जो है ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये आर जो है ये कितना भी बड़ा हो सकता है 1 से लेके 19 कार्बन तक। जैसे पाल्मिटिक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है, 16 कार्बन कंपाउंड है, एराकिडोनोइक एसिड कितना कार्बन कंपाउंड है, 20 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा एक स्टीरिक एसिड होता है वो 18 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है।
एसिड जो है वो 18 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, कुछ इसमें डबल बॉन्ड वाले होंगे। बहुत पहले उस पर क्वेश्चन आता था लाइनोलिक एसिड, लाइनोइक एसिड, अब उस पर क्वेश्चन नहीं आता, तो अब उसको मत पढ़िए, ठीक। अब उस पर क्वेश्चन नहीं आता तो अब उसको मत पढ़िए, ठीक है। हाँ जी, अब उस पर क्वेश्चन नहीं आता तो अब उसको मत पढ़िए, ठीक। अच्छा, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड, कुड बी सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। तो इसमें आता था पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना कितना किसमें किसमें होता है, ठीक है। अनदर सिंपल लिपिड इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल होता है तो इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इस पर क्वेश्चन आया हुआ था, इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो बिल्कुल सिंपल है, CH2OH, ठीक है, फिर उसके बाद CHOH और CH2OH, तो तीन हाइड्रोक्सी है और प्रोपेन है, तो सिंपल है, इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब किसी के पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों होगा, किसी के पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों होगा तो इसको हम कह सकते हैं, अगर मान लो एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड है तो उसको हम मोनोग्लिसराइड कह देंगे, एक ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड है तो उसको हम डाइग्लिसराइड कह देंगे, एक ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड है तो उसको हम ट्राई ग्लिसराइड कह देंगे, ठीक है। तो इट कुड बी मोनोग्लिसराइड, आर एक ग्रुप लग गया, डाइग्लिसराइड दो लग गया, तीन लग गया तो ट्राई ग्लिसराइड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, अगले में लिख दिया है, ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हमको ऑयल कहाँ लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट फैट तुमको देखोगे वो देखो घी होता है ना, जमा हुआ रह जाता है, राइट, क्यों, उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है, ठीक, बिल्कुल समझ में आए। कुछ लिपिड के साथ फॉस्फोरस भी जुड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन मेरा किसका बना होता था, सेल मेम्ब्रेन मेरा लेसिथिन, है ना, तो वो तुम्हारा बना होता, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं, एंड दिस फॉस्फोलिपिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, दिस कैरेक्टर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आ गया, तो इसका एग्जाम्पल लेसिथिन है, याद रखो इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन, जो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड होता है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके तुम लोग को नहीं पढ़ना, जितना मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ उतना पढ़ लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, जितना मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ उतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी सेल्युलोज बात करेंगे बाबू, अभी सिर्फ माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें, मैक्रो पे भी आए नहीं है, मैक्रो पे बात करेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और एंजाइम वाला पार्ट हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी मैं माइक्रो पे ही हूं, माइक्रो पे आया नहीं हूं, ठीक है। चलो अगला आते हैं, क्या बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो अलग अलग साइक्लिक रिंग हो सकता है। जैसे मेरा बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, दो तरह का हो सकता है, डीएनए और आरएनए। क्या क्या होता है भाई, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की अगर हम बात करें, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो हमको बात कर सकते हैं कैसा, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो मेरे पास आएगा पेंटो शुगर। कैसा पेंटो शुगर होगा भाई, पेंटो शुगर या तो मेरा डीऑक्सीराइबोज होगा या तो मेरा राइबोज होगा, या तो मेरा डीऑक्सीराइबोज होगा या तो मेरा राइबोज होगा। अगला क्या होगा, अगला होगा नाइट्रोजन बेस, अगला होगा नाइट्रोजन बेस। अच्छा, नाइट्रोजन बेस मेरा कैसा होगा भाई, तो नाइट्रोजन बेस मेरा कैसा होगा, नाइट्रोजन बेस मेरा या तो प्यूरीन हो सकता है या तो पिरिमिडीन हो सकता है, या तो मेरा प्यूरीन हो सकता है या तो मेरा पिरिमिडीन हो सकता है। एडिनिन और गुआनिन जो मेरा प्यूरीन है, क्या है भाई, नाइन मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर, नाइन मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर, राइट, नाइन मेंबर्ड डबल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में क्या होगा भाई,
पिरिमिडीन में मेरा क्या हो जाएगा, सिक्स मेंबर्ड सिंगल लिंक स्ट्रक्चर, गुआनिन थायमिन और थायमिन साइटोसिन और यूरासिन। तो ये मेरा हो जाएगा सिक्स मेंबर्ड सिंगल स्ट्रक्चर, सिक्स मेंबर सिंगल लिंक स्ट्रक्चर है ना, सिक्स मेंबर्ड सिंगल लिंक स्ट्रक्चर। क्या तुम लोग का अलग ही कहानी चल रहा है यहां पे बालक? चलो हाँ बेटा, वो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है राज। कल हम लोग क्या है, बायोमोलिक्यूल्स ही कर रहे हैं, कल वहां पे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज थ्योरी यहां पढ़ लीजिए, कल हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बायोमोलिक्यूल के 8 बजे मिलेंगे, ठीक है? चल तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। भाई जैसे हमने बात किया तो क्या है भाई, तो सम ऑफ दीज आर एडेनिन गुआनिन जो मेरा प्यूरिन हो गया, साइटोसिन यूरासिल एंड थायमिन ये मेरा पिरिमिडीन हो गया, ठीक है? ये सिक्स मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गया और ये नाइन मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुट जाता है तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो मतलब एडिनोसिन गुआनोसिन थाइमिडीन यूरिडीन एंड सिटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन थाइमिडीन इस पे क्वेश्चन आया था, गुआनोसिन थाइमिडीन यूरिडीन एंड सिटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड थाइमिडिलिक एसिड गुआनिलिक एसिड यूरिडाइलिक एसिड एंड सिटिडाइलिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड, आर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। डीएनए और आरएनए का जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन होता है, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, हम लोग मॉलिक्यूलर में इसको देखा हुआ है अच्छे से, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको बढ़िया से देखा हुआ है। तो अब देखिए, तो ये मेरा शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज तुम्हारा हेक्सोज हो गया, ठीक है? ढाप DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट ये तुम्हारा ट्रायोज हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद राइबुलोज वगैरह तुम्हारा राइबोज वगैरह पेंटोज हो जाएगा, राइबुलोज तुम्हारा ये हो जाएगा और स्यूडो हेप्टुलोज, ठीक है? स्यूडो हेप्टुलोज तुम्हारा 7 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है? स्यूडो हेप्टुलोज ये तुम्हारा 7 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक? तो ये तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, ये तुम्हारा राइबोज हो गया, राइबोज तुम्हारा 5 कार्बन कंपाउंड है। अगर यहीं पे सिर्फ H रहे OH के बदले तो ये मेरा आ जाएगा डी ऑक्सी राइबोज, अगर सिर्फ H रहे तो ये मेरा आ जाएगा डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है? मोनोसैक्राइड की जब हम बात करते हैं, अगर हम मोनोसैक्राइड्स की बात करते हैं या किसी भी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, इसमें एक चीज या क्या रखना है कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मतलब यहां पे लिपिड के मुताबिक कार्बन और उसका रेशियो, यहां पे लिपिड के मुताबिक क्या होता है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 है, वो 2:1 है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है, ठीक? ग्लाइसिन तुम्हारा सिंपल, एलेनिन तुम्हारा इधर और सेरीन तुम्हारा इधर, तो ये तुम्हारा 3 तरह का है, ग्लाइसिन एलेनिन और सेरीन तुम्हारा अमाइनो एसिड हो गया इधर का, ठीक है? चल तुम लोग का बड़ा प्यार मोहब्बत चल रहा है भाई, पढ़ लो बेटा, 40 दिन बचा है। बेटा टेट्रा हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सचिन है ना, थैंक यू बाबू, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल जो है तुम्हारा
ये मोस्ट डेकोरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं इसको हम, मोस्ट डेकोरेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये फैटिक एसिड हो गया 16 कार्बन, 16 कार्बन कंपाउंड पाल्मिटिक एसिड हो गया, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल हो गया CH2S, CHOH, और ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड हो गया, या इसको हम लेसिथीन भी कहते हैं, ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड हो गया, या इसको हम लेसिथीन भी कहते हैं, और ये मेरा ट्राइग्लिसराइड हो गया, तीन ग्लिसरिक है, मतलब फैटी एसिड, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, इस पे तीन फैटी एसिड निकला और प्लस वाटर निकल गया, तो तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये ट्राइग्लिसराइड हो गया, ठीक है। इस पे बेसिस पे ये ऑयल और फैट हो जाएगा, इससे ज्यादा तुमको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्यूरिन हो गया, 9 मेंबर डबल लिंक स्ट्रक्चर, इसमें जो नाइट्रोजन है वो है 1, 3, 7 और 9 कार्बन पे, ठीक है, 1, 3, 7 और 9 पे है, ठीक है। सेम एडिनिन के लिए भी और गुआनिन के लिए भी, ठीक है। इस यूरासिल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है पहले और तीसरे कार्बन पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक। यूरिडीन में आ गया तुम्हारा क्या, यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप लग गया, अगर मान लो यहां पे मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये हो जाएगा मेरा थायमिन, अगर यहां पे मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये हो जाएगा मेरा थायमिन, बस इतना याद रखना, ठीक है। थायमिन और यूरासिल में यही डिफरेंस होता है कि सिर्फ वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक। तो एडिनिन गुआनिन तुम्हारा प्यूरिन हो गया, थायमिन साइटोसिन और यूरासिल तुम्हारा, थायमिन साइटोसिन और यूरासिल तुम्हारा पिरिमिडिन हो गया, नाइट्रोजन पहले और तीसरे पे, इसमें पहले तीसरे सातवें और नब्बे पे, ठीक है। ये एडिनोसिन हो गया, एडिनोसिन क्यों, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये मेरा आरएनए है, ठीक है, क्योंकि राइबो शुगर लगा हुआ है, ठीक है। ये एडिनाइलिक एसिड हो गया, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, तो मेरा फॉस्फेट ग्रुप, मेरा ये पेंटोज शुगर प्लस ये मेरा नाइट्रोजन बेस, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड है, ये दोनों न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो इस पर क्वेश्चन आता है एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, ठीक है, तो ये तुम्हारा इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, कौन सा पेंटोज शुगर है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इस पे तीन बार क्वेश्चन आया है, महावाहियात लगता है, सबको लगता है यार क्या करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ के, बट इस पे तीन बार क्वेश्चन आया, एक बार ग्लूट4 वाला आया था, एक बार गम्स और रेजिन और फ्लेविनॉइड्स वाला आया था, और एक बार तुम्हारा कैरोटीनॉइड्स वाला आया था, ठीक है, तो तीन बार आया, इसको बढ़िया से देखना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या है भाई, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, तो इफ वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सच लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड शुगर एंड एवरीथिंग, ठीक है। वी कैन कॉल दीज बायोमॉलिक्यूल्स एट मेटाबोलाइट्स, ठीक है, क्यों मेटाबोलाइट्स, क्योंकि भाई मेटाबॉलिक एक्शन इनके ऊपर हो रहा है, तो उसको हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे, मतलब जिसका भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मेटाबोलाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 1, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्यों प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इनिशियली जो कंपोनेंट बन रहा है उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं, किसमें, फिगर 9.1, कौन सा 9.1 है फिगर, ये है तुम्हारा फिगर 9. कहाँ गया भाई, 9.1, ठीक है। तो ये जितने हैं ये सारे मेरे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, ये सारे मेरे प्राइमरी मेटा बोलाइट्स हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ही कुछ और बनेगा, ये सारे के सारे मेरे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ही कुछ और बनता जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो रीजन है ये मेरे पूरे जो है इनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे, इन सारे को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। हाउएवर व्हेन वन एनालाइजेस प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स, ठीक है, तो हमको क्या मिला, थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे मेरा एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है, ठीक है, रबड़, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, तो जितना भी बाय प्रोडक्ट्स बन रहा है,
ये सब के सब मेरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो कलर्ड पिगमेंट्स, गम्स एंड स्पाइसेस, ये सब के सब मेरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। डिस्टिंग्विश करने आएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया है और आता रहता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो याद रखना, जितना सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलिकन, ये सब तुम्हारा प्राइमरी मेटाबोलाइट आएगा। ये जो कंपाउंड सारा बन रहा है ये तुम्हारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट आएगा। इस पर क्वेश्चन क्या आया था, एल्कलॉइड्स पे एक बार क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन लेसिथीन पे आया है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेसिथीन पे आया है कि इसमें कौन सा सेकेंडरी सॉल्यूबल, ठीक है। एंथोसियानिन याद रखना, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, ये तुम्हारा वाटर सॉल्यूबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और एक बार पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम और सेल्यूलोज आ जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेटाबोलाइट, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल टेस्ट में भी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ जो मैंने गोल किया हो तो आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए, बाकी नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। टॉक्सिन याद कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मतलब इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट टेबल इज इंपॉर्टेंट। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इससे क्वेश्चन आता है तो इसको आप कर लीजिएगा। हाँ जी, पीडीएफ मिलेगा। एंटीबायोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, एंटीबायोटिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए, तो ये आ गया, ठीक है। तो हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जिसके लिए हम काम करते हैं, तो इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो व्हाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन, वी डू नॉट नो द रोल एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये ट्रू या रॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। कि जैसे मान लो कि पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स रिलीज करता है, उसके किस काम का, हमने देखा था ना कि दिस इज ए एमेंसेलिज्म वाला रिलेशनशिप, मतलब कोई खास तुमको पेनिसिलिन को फायदा नहीं मिल रहा, राइट। तो ये चीज यहां पे है कि इनका एक्चुअल क्या फंक्शन है वो हमको नहीं पता सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, बट अगेन ये बाय प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं हम मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 800 डाल्टन है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 800 डाल्टन है तो उसको हम ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इट इज ग्रेटर देन 800 डाल्टन तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, विच कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। क्या क्या, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होगा, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप का बना होगा, पॉलीसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स वगैरह का बना होगा, एंड लिपिड तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होगा, ठीक है। अच्छा, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विथ एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड विथ एक्सेप्शन ऑफ लिपिड हैव मॉलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 1000 डाल्टन, इन द रेंज ऑफ 1000 डाल्टन और अबव, ठीक है। तो मतलब सिर्फ लिपिड लेस देन 800 डाल्टन है, लिख लेना, लिपिड है लेस देन, एनसीईआरटी में घुमाता है, लिपिड का जो है इट इज लेस देन 800 डाल्टन और बाकी सब 800 डाल्टन से ज्यादा है या 1000 डाल्टन से ज्यादा है, ठीक है। तो लिपिड इज लेस देन 800 डाल्टन, बाकी सब 800 डाल्टन से ज्यादा है, इसलिए हम लिपिड को माइक्रो मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर लेते हैं, बट टेक्निकली वो मैक्रो मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसलिए हम लिपिड को माइक्रो मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर लेते हैं, बट टेक्निकली वो मैक्रोमोलिक्यूल का पार्ट है, ठीक है। चल, तो जो बड़ा बड़ा है और एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाता है उसको हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिपिड को छोड़ के हम सब कंसिडर कर लेंगे, इसमें हम लिपिड को छोड़ के सब कंसिडर कर लेंगे। बेटा वो डिलीट हो गया बेटा, ठीक है। चल, कोई दिक्कत और बेटा, पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो वही हो गया ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तुम्हारा पूफा हो गया ना,
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पूफोगे। मैं इलेवेंथ के सारे चैप्टर कर दूंगा, थाम्बा बालक थाम्बा, शांति और संयम बनाए रखे हैं। इलेवेंथ के भी आपके सारे चैप्टर्स को निपटाने की जिम्मेदारी तुम्हारे इस गरीब टीचर की है, ठीक है। तुम लोग बस मेहनत अपने एंड पे करते रहो, मेरे एंड की मेहनत की आप कभी टेंशन ना लें। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो तो यही कहानी है इसमें। तो दैट इज वाई डू लिपिड हूज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड कम अंडर एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, बट उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल में कंसिडर कर सकते हैं एलएफसी से। सीधा सीधी कहानी का टाइम बात है, ठीक है। अब आप देखो, अब देखो, अब देखो यहां पे क्या क्या कहानी लिखा है। यहां पे क्या लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, बहुत अच्छी बात है, एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्यूबल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलॉन्ग द एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ये तो हम पहले भी बता दिए थे। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये भी मैंने पहले ही बता दिया। क्या होता है देखो, अल्टीमेटली जब हम उसको ग्राइंड करते हैं तो जो फ्रैगमेंट्स है, जो मेरा फ्रैगमेंट्स है, वो फ्रैगमेंट्स क्या होता है वेसाइकल के फॉर्म में, ये वो फ्रैगमेंट क्या होता है वेसाइकल के फॉर्म में कहाँ चले जाता है, वो फ्रैगमेंट वेसाइकल के फॉर्म में एसिड इनसॉल्यूबल पूल में चला जाता है, इनसॉल्यूबल पूल में चला जाता है। बट टेक्निकली इसका जो मॉलिकुलर मास है वो 800 डाल्टन से कम होता है, बस इतना कहना चाह रहा और कुछ नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। द एसिड सॉल्यूबल पूल, अब यहां पे बात करते हैं, द एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन जितना, द मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक। Therefore, they represent the entire chemical composition of living tissue, ठीक है। तो इसलिए तुमको हम देख सकते हैं living tissue को। तो अब देखो क्या क्या composition है cellular mass का। सबसे ज्यादा quantity में water है, फिर protein है, फिर उसके बाद nucleic acid है, फिर उसके बाद carbohydrate है, और फिर lipid है, ठीक है। इस पर sequence आएगा, sequence लिख लीजिए। Sequence कैसा होता है, sequence कैसा होता है, सबसे पहले water, फिर protein, फिर nucleic acid, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद फिर लिपिड। इसको सीक्वेंस याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, इस सीक्वेंस को आपको याद रखिएगा। आयन सबसे कम में होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, तो हमने देखा था भाई ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो क्या क्या भाई, तो 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। कौन कौन सा प्रोटीन है, एलेनिन दिया है, सिस्ट्रीन दिया है, सिस्ट्रीन और तुम्हारा मिथियोनिन, लिख लो सिस्ट्रीन एंड मिथियोनिन, इसको हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं, इसको हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, याद रखना प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, क्यों, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, अलग अलग अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए प्रोटीन को हम हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, इट इज नॉट होमोपॉलीमर, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स तुम्हारा होमोपॉलीमर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। होमोपॉलीमर सिर्फ वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट का बनता है, हेट्रोपॉलीमर तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का। तो इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, तुम्हारा जो ये है हेट्रोपॉलीमर है। व्हाई हेट्रोपॉलीमर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। कितना डिफरेंट टाइप्स है, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। दैट वाइज इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, इसको याद कर लीजिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट इन योर लेटर न्यूट्रिशन, क्योंकि हमको हर अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए होता है, खास करके एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर मस्कुलर ग्रोथ। तो देखो उन्हें वे प्रोटीन भी देखता है, तो वे प्रोटीन का कभी कंपोनेंट पढ़ना तो उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड का लिस्ट दिया रहता है। वे प्रोटीन देखोगे ना या फ्री अमाइनो एसिड देखोगे तो इसका वो पढ़ोगे तो तुमको बिल्कुल सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है कितना 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 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो सीक्वेंस जरूर देखना बच्चों, ठीक है। तो वो देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा प्रोटीन।
तो हम लोग देख सकते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल कौन सा? जो मेरा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता ज्यादा क्वांटिटी में उसको एसेंशियल कहेंगे, जो मेरा बॉडी सफिशियंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पाता है उसको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन का मेजर काम क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेंग्रेन, फाइट इन्फेक्शन, हॉर्मोन्स, पेप्टाइडल हॉर्मोन्स होता है। ऑल इंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन, याद रखिएगा ऑल इंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन, ये पॉइंट यहां पे लिख लीजिए, ऑल इंजाइम्स आर टर्शरी प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर ठीक है प्रोटीन, ठीक। कोलेजन तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, ठीक है। एंड रूबिस्को तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन, या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी पूछ सकता है, या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी पूछ सकता है इन बायोस्फीयर, ठीक है। अगर प्लांट और एनिमल कुछ भी नहीं दिया है तो भी तुम्हारा रूबिस्को हो जाएगा, ठीक है। रूबिस्को तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये तुमको ध्यान में रखना है, ये तुमको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, हाँ एनिमल वर्ल्ड होगा तो ठीक है, ठीक है। ग्लूट फोर पे क्वेश्चन आता है, यहां पे ग्लूट फोर तुम्हारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, ठीक है। ये तुम्हारा कैरियर प्रोटीन होता है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्लूट 1, 2, 3 तुमको नहीं पढ़ना, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड करता है बट छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, एक होता है एल्ब्यूमिन, हमको पता है एल्ब्यूमिन क्या करता था, मेंटेन करता था ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, मेंटेन्स ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता था ग्लोबुलिन, इम्यूनिटी, है ना, और उसके बाद फाइब्रिनोजन था, फाइब्रिनोजन मेरा क्या करता था, तुम्हारा हेल्प करता था किसमें, क्लॉटिंग में, ठीक। तो ये तुम्हारा आ गया, तो एंटीबॉडी में तुम्हारा आ जाएगा ये इंसुलिन, हार्मोन, ये सारे प्रोटीन्स और उनके फंक्शन है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, तो कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, बात किए थे हम लोग, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन, ठीक है, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन, राइट। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर में जो मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन है दैट इज रूबिस्को, ठीक। चलिए अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, तो पॉलीसेक्राइड में क्या आ गया भाई, लंबा लंबा सारा जो सेक्राइड्स है वो तुम्हारा पॉलीसेक्राइड्स का पार्ट आ जाता है। तो पॉलीसेक्राइड्स आर एसिड इनसॉल्युबल पेलेट के फॉर्म में होता है, पेलेट के फॉर्म में जो एसिड इनसॉल्युबल है वो तुम्हारा पॉलीसेक्राइड्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्वेश्चन आया, ठीक है, आर ऑल्सो हैव पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल पेलेट जो होता है, पेलेट्स गुच्छा फॉर्म में, एकदम छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में होगा, वो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट्स, ठीक है, दीज आर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक। पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड, बहुत सारा मोनोसेक्राइड का बिल्डिंग ब्लॉक तुम्हारा पॉलीसेक्राइड बनाता है, जैसे सेलुलोज किसका बना होगा, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, लिख लीजिएगा, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, मतलब इस एक का ही बना हुआ है, किसका, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, कौन सा, ग्लूकोज का मोनोसेक्राइड का बना हुआ है, ग्लूकोज का मोनोसेक्राइड का तुम्हारा सेल्यूलोज बना है, विच इज अ होमोपॉलीमर, ठीक। स्टार्च इसी का वेरिएंट है, स्टार्च इसी का वेरिएंट है, बट इट इज
बट इट इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस, इट इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस, ठीक, इट इज प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस इन प्लांट टिश्यू, ठीक है। एनिमल स्टोर करता है रिजर्व फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो प्लांट का रिजर्व फूड इज स्टार्च, एनिमल का रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, अगेन यहां पे क्वेश्चन आया था, इन्यूलिन जो है इट इज अ पॉलीमर, ये भी होमो पॉलीमर होगा, ठीक है, एंड इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है। एक तीन डाइसैकेराइड में लिख लो, माल्टोज, माल्टोज क्या होगा, माल्टोज मेरा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होगा, ठीक है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या होगा, ग्लूकोज सॉरी फ्रुक्टोज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ओहो हाँ, ग्लूकोज सुक्रोज होगा, है ना, सुक्रोज होगा, सुक्रोज होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और लैक्टोज होगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। याद रखिएगा गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप योगो याद रखना है कि गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर भी कहते हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अगर हम पॉलीसेक्राइड चेन की बात कर रहे हैं, तो अब देखो इसमें क्या है, पॉलीसेक्राइड चेन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट एंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, इसका जो राइट एंड होता है इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, ठीक है, तभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड, एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, अभी हम दिखा देंगे इसका, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाता है, ठीक। अच्छा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज, सुक्रोज तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, याद रखना ये तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, या इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ये पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर और इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। देखो बच्चों, मैं दो तीन बार जो चीज रिपीट कर रहा हूं वो पक्का पक्का आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है। तो इट हैज ब्रांचेस इन फॉर्म ऑफ कार्टून, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा भाई, तो इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आई टू मॉलिक्यूल्स इन इट हेलिकल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसीलिए इसीलिए स्टार्च का कलर क्या होता है, स्टार्च जब आयोडीन के प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर जो देता है, कभी देखोगे ना कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे कोबाल्ट क्लोर स्टार्च में उसके ऊपर स्टार्च डाले तो क्या हो गया, आयोडीन के प्रेजेंस में स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता था, क्योंकि स्टार्च आयोडीन मॉलिक्यूल को बीच में अपने होल्ड कर लेता था, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वहां पे स्टार्च उसको होल्ड करके अपने पास रख लेता था, ठीक है। सेल्युलोज के पास कोई कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता, इसलिए सेल्युलोज ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च पे नहीं देता, तो कभी भी देखोगे ना, कभी भी जब पत्ता हम डालते तो क्या होता था, कभी भी पत्ते का अगर हमको स्टार्च कंटेंट पता करना होता तो हम क्या करते थे, उसको पहले उबालते थे, पहले हम पत्ते को उबालते थे ताकि उसका सेल्युलोज का लेयर हट जाए, और उसके बाद हम उस पर आयोडीन डालते थे ताकि वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाए। अगर तुम नॉर्मल पत्ता लोगे तो उसके ऊपर का लेयर सेल्युलोज है, उस पर स्टार्च डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, उस पर स्टार्च डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, राइट, उस पर स्टार्च डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, राइट, उस पर स्टार्च डालोगे तो कोई असर नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टार्च फॉर्म्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो ये ब्लू ब्लैक कलर होता है, सेल्युलोज डू नॉट गेट सच कॉम्प्लेक्स एंड दे कैन नॉट होल्ड आयोडीन, दे कैन नॉट होल्ड आयोडीन, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, देखो तो यही स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये तुम्हारा बाइंड करके दिखाता है, ठीक। बस इतना याद रखना, सुक्रोज इन्वर्ट शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इन्यूलिन पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है, क्या क्या होमोपॉलीमर है, क्या क्या हेट्रोपॉलीमर है, देखो एनसीईआरटी में तुम्हारे पहले एनसीईआरटी में तुम्हारे काइटीन को हेट्रोपॉलीमर दिया था, अब काइटीन होमोपॉलीमर है एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिएगा उस पर, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, अब काइटीन होमोपॉलीमर है उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है भाई यहां पे, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बहुत अच्छी बात है,
सेल्युलोज हमने देख लिया था क्या है, ठीक है। देर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स इन नेचर, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक जैसे अमाइनो एसिड के साथ है, तो जैसे ग्लूकोजामाइन है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरमेरिक एसिड ज्वाइंट होता है बीटा 1,4 लिंकेज से, जो काइटिन वाइटिन में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो तो काइटिन क्या है, यहां देखो, यहां पे देखो, यहां देखो, काइटिन 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 क्या है, काइटिन तुम्हारा होमोपॉलीमर है, काइटिन तुम्हारा होमोपॉलीमर है, काइटिन तुम्हारा होमोपॉलीमर है, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडास हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स कॉल काइटिन, दीज आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स, आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, एनसीईआरटी हेट्रो लिखती थी पहले, अभी होमो है, ये एनसीईआरटी करेक्शन है, इसको लिख लीजिए, ये एनसीईआरटी करेक्शन है, इसको लिखिए, एनसीईआरटी करेक्शन है, इसको लिखो बच्चों, इसको लिखो, इसको लिखो, ये एनसीईआरटी करेक्शन है। हाँ जी हाँ, पॉलीसेक्राइड इनुलिन हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड पर, न्यूक्लिक एसिड हमने लगभग पूरा देख ही लिया था, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, क्या है भाई, तो द अदर टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द वन जो मेरा न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा, इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन बेस हमने देखा था, पेंटोज शुगर देखा था हमने, वगैरह वगैरह सब कुछ देखा था, तो ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। द शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड क्या है, पेंटोज शुगर है, या तो राइबोज होगा या डीऑक्सीराइबोज होगा, ये हमने कर लिया है, तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमने पहले ही कर लिया, ठीक। चलिए अगले पेज पे आते हैं, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, टर्शरी कैसा होता है, क्वार्टरनरी कैसा होता है, और कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, ठीक है, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ये है, तो ठीक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी, तो देखो तो प्राइमरी क्या है, अगर अगर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, देखो मोटा मोटी मैं समझा देता हूं, अगर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है तो प्राइमरी, अगर पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो सेकेंडरी, अगर पेप्टाइड हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो टर्शरी, अगर मल्टीपल पेप्टाइड उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन और उसके बाद तुम्हारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो क्वार्टरनरी, बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक करके, तो प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स, अगेन हम लोग को पता था प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स होता है जो उनको एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलता है, ठीक है। अब आओ मुद्दे पे, तो सबसे पहला क्या है कि अगर मान लो प्रोटीन अगर लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब दो अमाइनो एसिड, अगर सपोज मान लो ये अमाइनो एसिड है, देखो सपोज मान लो कि ये अमाइनो एसिड है, ये मान लो NH2CCOOH H और R है, ठीक है, प्लस यहां पे H2NCCOOH H और R है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से पानी निकाल दो, यहां से पानी निकाल दो, CONH2 हो जाएगा, है ना, यहां से तुम्हारा H2O निकाल दो, अरे ठीक कोई बात नहीं, इधर से निकाल दो, ठीक है, तो यहां से पानी निकल जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो पेप्टाइड के साथ लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, है ना, बिल्कुल सीधा सीधी, एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो पहला जो है लेफ्ट एंड वाला हो गया, आखिरी जो है राइट एंड वाला हो गया, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता गया और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, तो ये रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी तुम्हारा दो तरह का होगा, एक अल्फा हेलिक्स होगा एक बीटा हेलिक्स होगा, एक अल्फा हेलिक्स होगा एक बीटा हेलिक्स होगा। कैसे बनता है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स? बाय पेप्टाइड बॉन्ड, बाय पेप्टाइड बॉन्ड प्लस प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इस पे और डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ दो, इस पे और डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ दो तो मेरा क्या आ जाएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर। और इस पे और एक स्ट्रक्चर जोड़ दो, मतलब एक और प्रोटीन का स्ट्रक्चर जोड़ दो, तो ये मेरा ग्लोबुलर या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये तुम्हारा कार्टून शो कर रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पहला पहला जो है तुम्हारा ये सेकेंडरी, तुम्हारा एक ऐसे और एक जिगजैग, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स ऐसे कॉइल्ड रहेगा, कैसा डायरेक्शन है? इस तरह से, ठीक है। अल्फा हेलिक्स कॉइल्ड रहेगा, बीटा हेलिक्स जिगजैग रहेगा। चलो लिखवा देते हैं तुमको। तो द फर्स्ट अमाइनो एसिड जो एंड पे है, एंड पे है, उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कहते हैं। कहां स्ट्रक्चर गया? स्ट्रक्चर ही गायब हो गया, कोई बात नहीं छोड़ो। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कहते हैं। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बाद में कर लेंगे इसको। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है उसको हम एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, ठीक है। लास्ट अमाइनो एसिड को हम सी टर्मिनल अमाइनो एसिड कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तुमको लेबल करने दे सकता है एक पेप्टाइड बॉन्ड में कि मार्क द एल टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड सी टर्मिनल। तो मतलब पहला जो है वो क्या होगा? एल टर्मिनल, लास्ट जो है वो क्या होगा? सी टर्मिनल। याद रखिएगा, पहला जो है ये एन टर्मिनल होगा एंड लास्ट जो है वो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड होगा, वो सी टर्मिनल अमाइनो एसिड होगा, ठीक। अब प्रोटीन थ्रेड डू नॉट एक्सिस्ट थ्रू आउट द एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, बिल्कुल ठीक। थ्रेड इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, राइट। हेलिक्स के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होगा, तो यहां पे सिर्फ सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व, जो तुम्हारा मिलेगा, जो तुम्हारा मिलेगा किसमें? जो तुम्हारा मिलेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, राइट हैंडेड हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तुमको कैसा मिल रहा है? राइट हैंडेड हेलिक्स, ये तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अदर रीजंस ऑफ प्रोटीन थ्रेड्स आर फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। इन एडिशन टू द लॉन्ग प्रोटीन चेन, इट इज ऑल्सो फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ हॉलो वूल, ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिसपे एक्टिव साइट होता है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर जो तुम्हारा टर्शरी स्ट्रक्चर है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जहां पे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होंगे, जहां पे एक्टिव साइट्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस गिव्स अस अ 3D डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो इंजाइम्स जो होते हैं, मेरे जो इंजाइम्स होते हैं, दीज आर टर्शरी प्रोटीन, और इनके टर्शरी प्रोटीन होने की वजह से इस पे एक्टिव साइट्स होते हैं जो मेरे इंजाइम्स के साथ बाइंड, जो मेरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, जो मेरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, जिसको अभी हम देखने वाले हैं, जो मेरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। चल, तो सम प्रोटीन्स हैव मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, अगर मान लो पॉलीपेप्टाइड बढ़ गया, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड हो गया, तो दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल आ जाएगा हीमोग्लोबिन, जिसका एग्जाम्पल आ जाएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। क्या होता है इसमें? दो ग्लोबिन चेन होता था, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन, है ना, पढ़ा था ना हमने थैलेसीमिया वगैरह में। तो हीमोग्लोबिन में आ जाता था तुम्हारा अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। तो एडल्ट ह्यूमन ग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ फोर सब यूनिट, टू ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू इच अदर, मतलब दो सब यूनिट अल्फा ग्लोबिन चेन का और दो सब यूनिट बीटा ग्लोबिन चेन का है, तो टू सब यूनिट ईच, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल पूछिए तो फाइब्रोइन या सिल्क जो तुम्हारा है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर फाइब्रोइन या सिल्क की बात करो तो ये तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार क्वेश्चन सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे नहीं आएगा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा फाइब्रोइन या सिल्क। और सिल्क, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मीथियोनिन सबसे ऊपर होगा बालक, मीथियोनिन सबसे ऊपर होगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो तुम लोग, इसमें कहीं दो राय की बात ही नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो अब आते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। यार थोड़ा एक बार एनर्जी दे दो, एक बार, क्या ठीक लग रहा है सेशन अभी तक, समझ में आया सब कुछ, हाँ या नहीं, समझ में आया सब कुछ, हाँ या नहीं, अभी करना है या बाद में कंप्लीट करना है, बाकी पार्ट अभी करना है या बाद में कंप्लीट करना है, जल्दी बताओ, अभी करना है या बाद में कंप्लीट करना है। चलो यार तुम लोग बड़े पढ़ने में ध्यान दियो, बहुत पढ़ने में ध्यान दियो, तुम लोग सब अभी अभी कर रहे हो। चलो 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 बेटा कंटिन्यू ही करेंगे, कल सुबह हम लोग क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे ना, कल सुबह हम लोग क्वेश्चन ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। इंजाइम्स वाला जो पार्ट है वो कल सुबह भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं ना, इंजाइम्स वाला जो पार्ट है वो कल सुबह कर लेंगे, ठीक है, अभी यहां तक कर लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तक कर लेते हैं, इंजाइम्स कल सुबह कर लेंगे, ठीक है, डिटेल में इंजाइम्स तुम्हारा कल सुबह कर लेंगे। चलो अभी खत्म कर दें, चलो यार तुम लोग बोल रहे हो तो अभी खत्म कर दें, चलो जल्दी जल्दी 500 लाइक्स पहुंचाओ और कार्यक्रम शुरू करते हैं, पहुंचा ही दियो तुम लोग लगभग 489 पहुंचाओ, जल्दी जल्दी 500 लाइक्स पहुंचाओ और शुरू करते हैं, अभी खत्म करते हैं, हटाओ यार, खत्म करो झंझट, कल का कल में देखा, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, ठीक है, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, हो गया। हाँ जी अनअकैडमी में क्लास होगी, रिविजन कर लेंगे हम लोग, अरे पढ़ने का कोई अंत है, रिवीजन कर लेंगे, चलो मिल गया एनर्जी हमको, मिल गया एनर्जी, चलो अब शुरू करते हैं, मिल गया एनर्जी भाई, अब शुरू करते हैं एकदम, अभी अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा, टेंशन मत लो, हाँ हाँ एकदम एकदम अभी अभी हो जाएगा, 550 पहुंचा दी यार, तुम लोग ओवर मेहनत कर देते हो भाई आजकल, तो तुम लोग हिलाए हुए एकदम, बताओ बताओ तुम लोग तो आजकल, मतलब अब तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, चलो चलो आ जाओ वापस बैक टू पवेलियन रेडी, चलिए अब काम का चीज देखते हैं। तो क्या है, इन अ पॉलीपेप्टाइड और अ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्मड व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड। ये तो हम बता दिए भाई कि पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, ठीक है, ये तो, और इससे पानी निकल जाता है, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये तो हम बता दिए, बॉन्ड तो हम बता ही दिए कि पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये भी हम बता दिए, ये भी हम बता दिए कि पॉलीपेप्टाइड का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है, बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेक्राइड, ये भी हम देख लिए, ये भी हम देख लिए, ये भी अभी तुरंत देख लिए थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5 प्राइम एंड से लगता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 प्राइम एंड से लगता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फॉस्फेट ग्रुप 5 कार्बन पे और ये तुम्हारे 3 वाले पे, तो ये भी बचपन से पढ़ते आओ, ठीक है। अब हमको ये पता है कि अगर फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड से लग रहा है तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, और अगर दो न्यूक्लियोटाइड जुटा है तो फॉस्फोडाइस्टर, है ना। अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो क्या है, फॉस्फोइस्टर, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, अगर दो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बिल्कुल दो न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो फॉस्फो डाय ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आ गया, तो द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड, एज देर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, एज देर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन ईदर साइड, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो मतलब दो न्यूक्लियोटाइड में
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, दो न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिटर वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, वो क्रिक मॉडल हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे सेम है यहाँ पे। ठीक है, एडिनिन थायमिन हमेशा दो बेस पेयर बनाता है ना, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ, ये हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आ गया तुम्हारा, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये तुम्हारा जो है इसके साथ जो बाइंड किया, ये तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये दोनों तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये जो जुड़ा है, ये जो जुड़ा हुआ है तुम्हारा आगे आगे जो ओ के साथ जुड़ेगा, ये तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक कहाँ गया, सॉरी ये वाला जो तुम्हारा है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो तुम्हारा है ग्लाइकोसिडिक, मतलब पहले कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल और पांचवे पे फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट किससे जुटेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एन थ्री ए और थ्री, इसमें आ गया पिच, हम लोगों को पता था क्या है कि पिच तुम्हारा क्या होता था, ऐसे अगर हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा है, तो ये क्या था, ये अगर हम बात करें तो ये मेरा 20 आर्मस्ट्रांग था, ठीक है, ये मेरा 34 आर्मस्ट्रांग था, और इसके बीच में 10 बेस पेयर होगा, ये पढ़ाया है पहले से पढ़ाया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये तुम्हारा 3.4 आर्मस्ट्रांग है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है, तो इस तरह से है तुम्हारा। ठीक, जो डीएनए है इस डीएनए को हम बी डीएनए या बैलेंस डीएनए कहते हैं, जो हम लोग के बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में होता है, इसको हम बी डीएनए कहते हैं, या इसको हम बैलेंस डीएनए कहते हैं, विच इज राइट हैंडेड रोटेटेड, राइट हैंडेड रोटेटरी। ठीक है, ये तुम्हारा बैलेंस डीएनए होता है, विच इज राइट हैंडेड रोटेटरी, अगेन इसमें कोई टाइम पास वाली चीज है, ये सब सारा पढ़ा हुआ है, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, इट इज 36 डिग्री, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था, डिग्री क्या है, इट इज 36 डिग्री, इस पर भी क्वेश्चन आया था, 10 बेस पेयर होता है इस पर भी आया था, 34 आर्मस्ट्रांग होता है इस पर भी आया था, और 3.4 आर्मस्ट्रांग होता है इस पर भी आया था। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, भाई लिविंग स्टेट क्या है ना, लिविंग स्टेट वाला क्या है, तो उस पर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि डायनेमिक स्टेट क्या है, तो टुगेदर जितना मेरे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितना मेरे बॉडी में टोटल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, एंड ईच ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड ईच ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, है ना, बाय इन बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होता है, इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो भाई तो देख लो क्या क्या है, तो तुम्हारा दो तरह का हो सकता है, या तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है, या तो एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, किसी चीज का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, किसी चीज का अगर जुट रहा है तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, कोई चीज अगर कैटाबोलाइज हो रहा है, कोई भी चीज अगर कैटाबोलाइज हो रहा है तो क्या हो सकता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो एनर्जी लेगा, राइट, तो उस तरह से काम कर सकते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इंटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे हम लोग क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, TCA साइकिल दूसरा मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, तो एक चीज से दूसरा बन रहा है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बना, फिर पाइरुविक एसिड से तुम्हारा अगेन वो पूरा सर्किल बना। ठीक है, तो ये अलग अलग पाथवेज है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, अच्छा, तो फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैव डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमेटिक ट्रैफिक। क्या टाइम पास है, क्या टाइम पास है, कुछ ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, तो दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। मतलब कि किसी भी फ्लो, किसी भी फ्लो ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, जो भी फ्लो है, मतलब मेरे बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहा है, किसी भी बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो वो उसका डायनेमिक फ्लो होगा। ठीक है, और इसी का एक रिएक्शन है जिसको कैटेलाइज रिएक्शन कहते हैं। कैटेलाइज रिएक्शन मतलब कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हम
इनर्जी का एक्सपेंडिचर कम कर दें, या जिसमें इनर्जी रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए अगर उसको हम कम कर दें तो उसको हम कैटालाइज रिएक्शन कहते हैं, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे बॉडी में। तो कैटालिसिस का एक प्रॉपर्टी है कि वो इंथैल्पी को कम कर देता है या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है विदाउट यूजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी कम रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, एंड इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, एंड इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, राइट। एनर्जी कम कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, मतलब कम एनर्जी में मेरा रिएक्शन हो रहा है और खुद रिएक्शन पे पार्टिसिपेट नहीं करता, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो देयर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, क्योंकि हमको अपना एनर्जी को कंजर्व करके रखना है, हमको अपना एनर्जी को बचा के रखना है। जितना कम एनर्जी है, पता चला कि तुम रेस्पिरेशन कर रहे हो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और उस रेस्पिरेशन के चक्कर में एंजाइम नहीं लगा और उसके ब्रेकडाउन में जितना एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा एनर्जी लग गया, तो फिर वही है ना, जितना का खाना नहीं खाया उतना का बिल फट जाएगा, क्या ही पॉइंट है उसका, राइट। जितना का खाना नहीं खाया उसका बिल फट जाएगा तो क्या ही पॉइंट है। हाँ बेटा केमिस्ट्री पढ़ाने पढ़ लो ठीक है चलो। तो जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी कम करता है इसको हम कहते हैं इंजाइम्स, है ना। अब इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है, ठीक है। इस पे देखो बता देते हैं क्वेश्चन, मिचेलीज कांस्टेंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तीन क्वेश्चन लिख लो आ गया एग्जाम में, मिचेलीज कांस्टेंट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इस पे तीन क्वेश्चन लिख लो आ गया तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है अभी बता दिए। तो देखो तो आते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग पे, क्या क्या है। तो दो पाथवे हो गया, एनाबॉलिक जुटने वाला पाथवे, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन वाला पाथवे। तो कौन कौन सा पाथवे एनाबॉलिक हो गया, अगर ग्लूकोज मेरा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है स्केलेटल सिस्टम में तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कैटाबॉलिक पाथवे, ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी चीज का, राइट। तो तुम्हारा लैक्टिक एसिड साइकिल हो रहा है तो ये ब्रेकडाउन कर रहा है, सिक्स कार्बन कंपाउंड तुम्हारा ब्रेकडाउन कर रहा है तो तुम्हारा क्या हुआ, कैटाबॉलिक है। ऊपर वाला क्या है, फॉर्मेशन, किसी भी फॉर्मेशन, मतलब मान लो एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल और लीड टू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो तुम्हारा क्या हुआ, अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो एनाबॉलिक, अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो रहा है तो कैटाबॉलिक। लिख लो सिंपल से कॉम्प्लेक्स एनाबॉलिक और कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैटाबॉलिक। वैसे पता है पिछले एक जन्म से इस दो तीन पेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी से ना पिछले दो जन्म से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। हाँ दो जन्म, ठीक है, तो दो जन्म हो गया ना, 10 साल हो गया, ठीक है। तो द एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम एनर्जी ऑब्वियसली, एंड कैटाबॉलिक पाथवे एनर्जी लिबरेट करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट करता है, जिसको हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। अच्छा यहां पे एक पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिस पे क्वेश्चन भी था, क्या था, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी, व्हाट स्ट्रेटजी डू हैव इवॉल्व, हाउ डू दे स्टोर एनर्जी, हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी टू वर्क। अच्छा एक चीज बताओ कि हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, याद रखिएगा, हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, वो लिविंग स्टेट में नहीं मिल सकता, वो लिविंग स्टेट में नहीं मिल सकता, वो इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो लिविंग स्टेज में नहीं मिल सकता, ठीक है। जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बायो एनर्जेटिक वर्ल्ड होता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं जो हमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो जो एनर्जी हम प्रोड्यूस, जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं वो रियलिस्टिक एनर्जी नहीं होता। जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि एक ग्लूकोज 36 एटीपी देगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वेस्टफुल प्रोसेस होता है, जहाँ पे वो एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो एक्चुअल एटीपी का यूटिलाइजेशन उतना नहीं होता, ठीक है। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चल अब आते हैं लिविंग स्टेट की, अब हम आते हैं लिविंग स्टेट की। यार थोड़ा थक गया मैं, एक काम करें क्या, इसको कल ही करते हैं बाबू, इंजाइम्स बचा है, इंजाइम्स को अच्छे से पढ़ाना है तो इसको कल मैं नीट बूस्टर सीरीज में इंजाइम्स पढ़ा दूंगा, ठीक है।
तो एंजाइम्स को ना इसको कल करते हैं, ठीक है बाबू? इस थक गया मतलब थोड़ा, फिर कंटेंट खराब हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम लोग इसको कल ले लेते हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, इसको कल कर लेते हैं अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से कल इसको हम लोग निपटा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी कल सुबह हम लोग एंजाइम्स अच्छे से कर लेंगे उधर स्पेशल क्लास में भी, ठीक है ना? कल सुबह उससे भी कर लेंगे, क्योंकि हाफ हार्टेड पढ़ाने का मन नहीं है यार, पढ़ाना है तो फोड़ के पढ़ाना है, ताकि तुम लोग भी एग्जाम में फोड़ो, राइट? तो वो तरीका ठीक होता है। तो एंजाइम्स कल करते हैं, छोटा टॉपिक है, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है एंजाइम्स, ठीक है? तो एंजाइम्स कल फोड़ देते हैं बढ़िया से, सब लोग आ जाना, तो हम लोग फटाक से एंजाइम्स निपटा देंगे, ठीक? बाकी हम लोग सबने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपको यहाँ मैं मिल जाऊँगा, कहाँ पे भाई? आपको मैं मिल जाऊँगा unacademy.com@anandsir01, यहाँ पे फॉलो करो मुझे, अभी कभी यहाँ पे मुझे फॉलो करो, सब तो वहीं वाले हो गए, सबको पता है ना भाई कि सुबह 8 बजे क्या होता है, तो 8 AM डेली डेली आपके लिए रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है। कहाँ पे? मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए, रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है अनअकैडमी ऐप पे, डेली 8 AM फ्री रिवीजन क्रैश कोर्स फॉर 45 डेज चलता रहेगा, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है? बाकी क्या है, बाकी क्या है भाई? बाकी टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। टेलीग्राम का आईडी क्या है भाई? NEET+, NEET, NEET+। यहाँ पे मुझे फॉलो करो, यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे चैनल पे फॉलो करो, इसके PDF अभी लेक्चर के क्लास के बाद तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? सेकेंडली गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जान निकल जाती है बनाने में 1 घंटे, ठीक है? तो मेहनत करो यार, थोड़ा मेरा मेहनत का भी फल मिलेगा आप लोगों को, है ना? तो थोड़ा हम दोनों मिल के अच्छा करते हैं, मतलब मज़ा आ जाए ना यार, कि इंडिया के हर कॉलेज में भाई आनंद सर के स्टूडेंट हैं, तो एक थोड़ा गरीब आदमी भी पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा रहम करो, थोड़ा मेहनत करो, कम से कम बायो तो फोड़ ही दो यार, बायो तो इतना ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है? तो बहुत मेहनत करो बेटा 45 दिन, मैं उससे भी डबल मेहनत करूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो यही जो तुम लोग जो एफर्ट दिखा रहे हो अभी स्पेशल क्लासेस में, वही एफर्ट और वही डेडिकेशन 45 दिन रखो, और रिजल्ट के बाद फोन करोगे तुम लोग मुझे, ठीक है, कि सर फोड़ दिया है पेपर में, ठीक? तो ऑन दिस नोट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम, और सुबह 8 बजे तो मिल ही रहे हैं हम लोग अनअकैडमी ऐप पे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और यार वीडियो को खूब सारा प्यार देना, खूब सारा कमेंट करना, मुझे पता है तुम लोग आजकल कर देते हो, ठीक है? बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई विल सी यू टुमारो गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।